हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप लोगों का इंग्लिश स्पोकन अच्छा नहीं है, स्पोकन इंग्लिश जो भी आप, ठीक है, आपका अच्छा नहीं है, तो आप किस तरीके से उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, इंग्लिश बोलने के लिए आप लोग कौन कौन से कदम उठा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मेरा तात्पर्य ये है कि जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करेंगे, रीडिंग पर फोकस करेंगे, सपोज़ कीजिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर कोई भी एक बुक ले लीजिए इंग्लिश की, तो अगर आप पढ़ते हैं उसको तो रेगुलर आप 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स दीजिए उसको, यानी कि 15 से 20 मिनट उसको डेली दीजिए। और उसको ऐसे नहीं पढ़ना है कि आपने हाँ पढ़ा और छोड़ा, नहीं, उसको आपको 3 बार रीडिंग करनी है। सपोज़ कीजिए चैप्टर नंबर 1, आप कोई भी एक बुक का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, तो उस चैप्टर नंबर 1 को 3 बार उसको पढ़िए, ठीक है। एक अगर आप चाहें तो जैसे 2-3 पेज में अगर उसका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो आप एक ही पेज पढ़िए, लेकिन एक पेज को 3 बार आप लोग पढ़िए, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपकी जो फ्लुएंसी है, यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग करने की जो क्षमता है, आपकी जो रीडिंग की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे मदद मिलेगी आपको स्पोकन इंग्लिश में, यानी कि बोलने में। तो जब आप रीडिंग करें तो जब जैसे मान लीजिए वहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है, इस तरीके से एक सेंटेंस लिखा हुआ है, तो उस सेंटेंस को आपको क्या करना है कि मतलब पहले आपने पढ़ लिया, ठीक है, फिर आगे के जो भी सेंटेंसेस हैं पैराग्राफ में वो आपने पढ़ लिए, इसके बाद आप जब उसको पढ़ लें 5 से 10 मिनट लगेंगे उसमें, उसके बाद आप फिर उसको 5 मिनट पढ़िए, फिर आप और फास्ट पढ़िए, तीसरी बार में फास्ट और फास्ट पढ़िए। तो पहले आपको स्लोली पढ़ना है, फिर मीडियम पढ़िए और फिर उसको फास्ट पढ़िए, तो 3 बार में आपका जो कैपेबिलिटी है स्पोकन इंग्लिश का वो सुधरेगा, रीडिंग आपकी और अच्छी होगी, और एक बार रीडिंग आपकी अच्छी हो गई तो स्पोकन इंग्लिश में, यानी कि इंग्लिश बोलने में आपकी जो क्षमता है वो और इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। फिर अगर आपके आसपास में कोई फ्रेंड्स हैं, ये बहुत ही पुराना एक नुस्खा है, नुस्खा कह सकते हैं या एक टेक्निक है कि अगर आपके आसपास कोई भी आपके जो फ्रेंड्स हैं जो इंग्लिश बोलना जानते हैं, आप उनकी मदद ले लीजिए। अगर आप उनकी मदद लेंगे तो काफ़ी हद तक आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा आपके स्पोकन इंग्लिश में। दूसरी चीज़, मतलब तीसरी चीज़ ये कि न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़िए, और न्यूज़ जो आप देखते हैं, ठीक है, टीवी में इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स जो होते हैं उनकी हेल्प लीजिए, वो क्या बोल रहे हैं आप सुनिए, सुनने की कोशिश कीजिए। देखिए, बोलने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको अच्छे से गौर कीजिए। आप जो भी इंग्लिश में बातें सुनते हैं, चाहे वो न्यूज़ में हो, चाहे इंग्लिश मूवीज़ में हो, उनको अच्छे से सुनने की कोशिश कीजिए, गौर कीजिए उन पर कि उनके जो सेंटेंसेस हैं, उनके जो वर्ड्स हैं वो किस तरीके के हैं। तो जब आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आप देख करेंगे तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा मदद देगा, क्योंकि लगातार ऐसे जब आप इसको करते रहेंगे 1-1.5 महीने में इसी तरीके से आप पढ़ते रहेंगे और समझते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, तो आपका स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूवमेंट काफ़ी हद तक होगा, ठीक है। ये टिप्स एक्चुअली में होता ये है कि कई बार ये सारी टिप्स हम 1-1.5 महीने के लिए अपनाते नहीं हैं, बस 2-3 दिन अपनाई और फिर बस हमने उसे छोड़ दिया, लेकिन नहीं, आपको उन टिप्स को छोड़ना नहीं है जो मैंने अभी बताई। अगर आप 1.5 से 2 महीने इन टिप्स को फॉलो करते हैं, लगातार फॉलो करते हैं, तो आप ये अपने अंदर एक चीज़ ये देखेंगे कि आपका स्पोकन इंग्लिश अच्छा होने लगा है, ठीक है। छोटे छोटे सेंटेंसेस को कॉपी कीजिए और उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस को, छोटे छोटे वर्ड्स को, आप जो भी वर्ड्स हैं, ठीक है, शब्द हैं, उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, हिंदी टू इंग्लिश कीजिए, या जो भी लैंग्वेज में आप पढ़ाई करते हैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं यह एक लड़का है, ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, तब आपका स्पोकन इंग्लिश और इम्प्रूव होता जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, और 1.5 से 2 महीने अगर आप इस पर काम कर लेते हैं तो उसके बाद जो 1.5 से 2 महीने होंगे वो आपकी स्पोकन इंग्लिश को बहुत हद तक सुधार देंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कॉमेंट कीजिएगा। देखिए, कोई भी काम हो उसमें थोड़ा टाइम तो लगता ही है, इसीलिए 1.5 से 2 महीने ज़रूर दें, इन टिप्स को फॉलो करते रहिए, और जो भी क्वेरीज आपकी मुझे व्हाट्सएप पे या फिर आप यहाँ पर जो कमेंट सेक्शन दिया हुआ है यूट्यूब की वीडियोस में, ठीक है, तो मतलब जो मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसमें जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप लोग मुझे बताएं आपकी जो भी क्वेरीज हैं इंग्लिश स्पोकन के रिगार्डिंग। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।